हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। हम स्टडी कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, सेकंड पार्ट है ये। और आज का हमारा टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन लैटरल डिस्प्लेसमेंट। पार्श्विक विस्थापन, देखिए क्या है पार्श्विक विस्थापन, पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे पास में कोई कांच का स्लैब है, ओके। अब जब इसके कांच के स्लैब पर बाहर से कोई प्रकाशीय किरण आपतित की जाती है, तो वो कांच के स्लैब में अंदर चलने के बाद, कांच की पट्टी स्लैब ही, तो ये कोई आपतित प्रकाश की किरण जब इस पर बाहर से आपतित होती है, तो इसके लिए प्रकाश का जो अपवर्तन है वो दो फेजों पर होता है। एक एबी के लिए प्रकाश का अपवर्तन होगा और एक डीसी के लिए। तो पहली चीज तो ये है कि जब प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, अपवर्तित हुई, कांच के अंदर चली, उसके बाद यहाँ से अपवर्तन होने के बाद ये बाहर निकल गई। ये दिखाया गया है कि प्रकाश की किरण आपतित की गई थी उसका एक्सल पाथ। तो यहाँ पर डायग्राम से चीज समझ में आती है कि बाहर निकलने वाली स्लैब से और जो एक्चुअल प्रकाश की किरण का पथ था वो दोनों एक दूसरे के समांतर आते हैं, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं, समांतर आते हैं, लेकिन एक्चुअल पथ से वो जितनी हट जाए, एक्चुअल पथ में उसको यहाँ पर निकलना था वो, लेकिन निकली कहाँ पर, यहाँ पे। तो इनके बीच का जो गैप है, जितना ये गैप हुआ जितना विस्थापित हुआ है, इसको कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है आर एम की, वो अपने एक्चुअल पथ से प्रकाश की किरण स्लैब में से पार होने के बाद कितनी विस्थापित हो गई अपवर्तन के बाद, ओके। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आगे हमको निकालना क्या है, हमारे टॉपिक में करना क्या है। तो पहली चीज ये है कि क्या ये वास्तव में समांतर आती है, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए प्रकाश की किरण ये आपतित हुई, अगर मैं यहाँ पर लगा दी एल क्यू, आपतित प्रकाश की किरण है क्यू आर, और यहाँ पर ये आ रही है आर ओ, चलिए मान लेते हैं ये निर्गत किरण है ओ। तो पहले इसके लिए ले लेते हैं ए बी, ये जो कांच का स्लैब है उसका पहला वाला जो सरफेस पड़ रहा है ये ए बी है, ये दूसरा वाला सरफेस क्या है डी सी, कांच की जो स्लैब है उसकी मोटाई है पी, ओके। आपतित प्रकाश की किरण आई कोण पर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात क्योंकि ये एयर है, एयर में से गिलास में जा रही है, तो अपवर्तन होने के लिए अभिलंब की ओर जुड़ जाएगी प्रकाश की किरण, और अपवर्तन कोण कितना है आर। यदि मैं यहाँ पर लगाऊं स्नेल का नियम, अपवर्तक तल, अपवर्तक तल ए बी के लिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, मतलब यहां पर स्नेल का नियम लगा रहे हैं हम, स्नेल के नियम से क्या कहता है, साइन अपवर्त आपतन कोण आई बटे साइन अपवर्तन कोण आर बराबर होना चाहिए कहां पर, आइए ग्लास में अपवर्तनांक एन जी ए, मतलब ग्लास का अपवर्तनांक वायु के साथ में इक्वेशन अपवर्तन, ओके। अब ये प्रकाश की किरण यहां से आई है, अपवर्तित प्रकाश की किरण अभी पहुंच जाती है दूसरी, जो इसका दूसरा एंड पार्ट है सरफेस का, यहां पर ये दूसरा अपवर्तक तल है डीसी। अब यहां से जो प्रकाश की किरण होगी ये ग्लास से एयर में जा रही है, तो यह अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये बाहर निकली है, इसलिए इसको निर्गत किरण भी बोल देते हैं। तो इस यहाँ पर अपवर्तन के केस में आपतन कोण कितना है हमारा आर है, और अपवर्तन कोण कितना है ई, ओके। तो अब अगर मैं डीसी के लिए लगाऊं और डीसी स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से देखिए साइन आपतन कोण, यहाँ पर आपतन कोण कितना है आर अपॉन साइन अपवर्तन कोण कितना है ई, इक्वल टू कितना होगा, कहां पर गई प्रकाश की किरण एयर में गई है, कहां से आई है जी से, तो एन ए। अब चूंकि हम जानते हैं एन जी इज इक्वल टू होता है 1 ओवर एन ए जी, ये एन ए जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर एन जी ए, तो इसको मैं उल्टा करके ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन नीचे वाले को ऊपर लिख दूं, साइन ई अपॉन साइन आर, जी पहले ले आए एक बाद में एन जी ए, तो एन जी इक्वेशन नंबर 2, ओके। स्नेल का नियम एक बार यहाँ पे यूज कर लिया, एक बार यहाँ पे यूज कर लिया। पहली हम चीज ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या ये रियल में पैरेलल होंगे, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर तुलना करें, कंपैरिजन करें, समीकरण एक व दो से, देखिए राइट साइड में एन जी एन जी इक्वल है, यहाँ पर देखिए साइन आई कौन, यहाँ पर कौन है साइन ई, और नीचे दोनों का साइन आर बराबर है,
अर्थात कंपैरिजन में साइन आई जो है वो बराबर आना चाहिए साइन ई के या आई इज इक्वल टू ई, अर्थात जितने कोण पर यहाँ पर आपने दूरी दी उतने कोण पर यहाँ पर क्या होगा ये कोण एंगल ये वाला जो कोण होगा ई होगा, अर्थात ये वाली किरण जो है जो ये वाली किरण जो इसके एक्चुअल पास है वो और ये वाली जो किरण है जो इसके ये पास पर निर्गत किरण है ये इन दोनों के बीच का कोण सही मारा है तो ये दोनों जैसे एक दूसरे के साथ पैरेलल है, क्लियर। अर्थात इस स्लैब से निकलने वाली जो निर्गत किरण है वो एक्चुअल पास से कैसे निकलेगी समांतर निकलेगी, तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये दोनों किरणें आपस में कैसी हैं पैरेलल। अब हमको ये वैल्यू निकालनी है कि आरएम विस्थापन कितना होता है, चलिए अब निकाल लेते हैं, इसको हटाते हैं यहां से। विस्थापन निकालने के लिए हम टिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। देखिए रिओप्टिक्स में टिग्नोमेट्री काफी यूज होती है, तो ध्यान से देखें। देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज क्यू आर एम बन रहा है समकोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्यू एन आर। तो पहले इसमें लगा लेते हैं समकोण त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है क्यू एम आर, क्यू एम आर में समकोण त्रिभुज क्यू एम आर में क्या लगाऊं। देखिए कौन सा अनुपात मैं लगाऊं कि इसमें ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाए और ये वाली वैल्यू आ जाए, क्योंकि ये तो हमने डेस करके दिखाई है एक्चुअल तो यही है तो ये आ जाए और ये आ जाए। अब देखिए थीटा के सामने वाली लंब होती है और 90 के सामने वाली कर्ण होती है, अर्थात मैं साइन यूज कर सकता हूँ जिसमें लंब और कर्ण आ जाए, तो हम यहाँ पर साइन यूज करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा आर एम और कर्ण क्या है हमारा ये क्यू आर, ओके साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आर एम अपॉन क्यू आर। अगर देखें ये जो साइन थीटा है हमारा ये जो थीटा है यहां तक का एंगल ये आई है, यहां से यहां तक का एंगल ये आर है और यहां तक ये थीटा है, ये एक्चुअल पाथ था ये नॉर्मल है नॉर्मल के साथ में और इसके साथ में एंगल आई है और ये वाला जो टोटल एंगल होना चाहिए अगर मैं इसको भी ऐड कर दूं तो आई के इक्वल होना चाहिए, अर्थात आई इज इक्वल टू होना चाहिए आर प्लस थीटा, क्योंकि I किसके इक्वल होना चाहिए R प्लस थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I माइनस R, क्लियर। तो थीटा किसके इक्वल होगा I माइनस R, इसमें से ये एंगल घटा देते ये एंगल आएगा तो थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं I माइनस R, सो sin I माइनस R इज इक्वल टू Rm ओवर Qr, हमको Rm की वैल्यू चाहिए तो Rm इक्वल टू हो जाएगा ये इधर चला जाएगा क्यू आर इंटू साइन माइनस आर साइन आई माइनस आर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लें, दो पहले मान चुके हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पे यूज किया है, क्योंकि आपको ये विस्थापन चाहिए। अब देखिए इसमें विस्थापन तो हमारे पास में आ गया आर एम, लेकिन ये क्यू आर अभी बचा हुआ है, ये क्यू आर इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है केवल थिकनेस गिवन है, तो हमें थिकनेस की फॉर्म में लाने के लिए एक बार और यूज करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज क्यू एन आर में, समकोण त्रिभुज क्यू एन आर में, समकोण त्रिभुज क्यू एन आर में मैं चाहता हूं कि ये वाली जो वैल्यू है ये वाली जो लेंथ है हमारी वो इस एंगल और इसके साथ में आ जाए थिकनेस के साथ में, मतलब ये आर है तो ये भी आर ही होगा पैरेलल है, ये आर भी हमारे पास है ये सॉरी पी ये आर हमारे पास कोण है और ये हमारे पास थिकनेस टी है, तो एक ऐसा अनुपात लगाएं त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें कोण आता हो कर्ण आता हो और आधार आता हो, तो कोस थीटा होता है तो मैं इस समकोण त्रिभुज क्यू एन आर में क्या लगा दूं कोस थीटा, अर्थात कोस आर बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा क्यू एन, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर, ओके। अब देखिए कोस R इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन, कितना है हमारे पास में T डिवाइडेड बाई क्यू आर, यहां से क्यू आर की वैल्यू लिखूं तो क्यू आर हो जाएगा T ओवर cos R, इक्वेशन नंबर 4, क्यू आर की वैल्यू हमने किसके टर्म में निकालती है R की और T की, और यहां पर जो समीकरण मतलब हमारा तीन था उसमें से क्यू आर की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, चलिए यहां पर स्पेस लीजिए इसको हटाना होगा हटा देता हूं समीकरण छोड़ देंगे, इस
इसको भी हटा दें। तो समीकरण चार से, समीकरण चार से QR का मान समीकरण तीन में रखने पर रखते हैं। देखिए QR यहां से हटाना है, बस मेन चीज ये है कि QR की कोई लेंथ हमारे पास गिवन नहीं होगी, ये T और R एंगल गिवन होगा, तो इसलिए इसको QR को रिप्लेस करेंगे। रखने पर R M is equal to हो जाएगा, QR की जगह क्या रख लूं, T over cos R into sin I minus R। ओके, अब क्योंकि I व R बहुत छोटे कोण हैं, बहुत छोटे कोण हैं, होते बहुत छोटे हैं ये, अतः ये छोटे होंगे तो साइन, हमने कहा था कि जो अनुपात होते हैं वो एंगल के बराबर रख देते हैं, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू आई माइनस आर रखते हैं, और जो कॉस आर है उसको हम आर रखेंगे, बराबर रख देंगे वन के, क्यों, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू जो होती है कॉस की वो जीरो की होती है, और कॉस जीरो कितना होता है वन, तो इसको ऑलमोस्ट कितना मान करके चलेंगे वन, यहाँ पर रखते हैं ये वैल्यू, तो पार्श्विक विस्थापन आर एम हमारा हो जाएगा टी इंटू आई माइनस आर, ठीक है, कितना हो जाएगा टी इंटू आई माइनस आर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारा आ गया पार्श्विक विस्थापन, ये क्या आ गया हमारा पार्श्विक विस्थापन, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते थे। अब अगर इसको और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप वर्तमान की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू होता है एन, छोटे एंगल के लिए निकालेंगे तो आई अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन, और यहां से मैं किसको रिप्लेस करूं, आर को रिप्लेस करूं तो आर हो जाएगा आई अपॉन एन, या तो आर की जगह आई अपॉन एन भी रख सकते हैं, कितना हो जाएगा आर एन, एक फॉर्मूला तो सही हो गया है, यदि आप वर्तमान के फॉर्म में निकाले तो टी इंटू आई माइनस आई अपॉन एन, आई कॉमन ले लूं तो टी इंटू आई इंटू वन माइनस वन अपॉन एन, ये पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला हो गया, थिकनेस अपवर्तनांक और आपतन कोण की उतारू, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला हमारा ठीक है, यदि हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण और थिकनेस दी गई है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यदि हमें अपवर्तनांक आपतन कोण और थिकनेस दी गई है तो ये यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास ये फिनिश होती है, यहाँ से आगे का जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।